वेलकम बैक फ्रेंड्स, वीपिन गार्डनिंग एंड टूरिज्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पपीते के बीज कैसे ग्रो करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये मैं एक ताज़ा पपीता ले रहा हूँ, इसको काट के इसके बीज निकाल के उनको मैं आपको ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको काट लेता हूँ और इसके अंदर के जो बीज है उन्हें निकाल कर किस हिसाब से हमें ग्रो करना है वो तरीका आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारा पपीता कट चुका है, इसके बीज मैं इस कटोरी में निकाल लेता हूँ इस चम्मच की सहायता से। दोस्तों, इनके बीजों के ऊपर पतली झिल्ली होती है, ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बीज कच्चे हैं और काफ़ी पक्के, जो एकदम ब्लैक कलर के हैं वो पके हुए बीज है। तो इनको मैं इस पेपर पे बिछा रहा हूँ और इनके ऊपर जो पतली झिल्ली है, अंदर पानी भरा हुआ है, उसे हमें तोड़कर अंदर का सीड निकालना है और उसे ग्रो करना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको प्रेस किया है तो ऊपर की पतली झिल्ली है वो टूट चुकी है। और दोस्तों, अभी इनको कुछ देर आप धूप में सुखाएंगे, तो मैं कुछ पके हुए बीज ले रहा हूँ और उनको धूप में रख देता हूँ ताकि इनका जो रस है वो सूख जाए। उसके बाद मैं इसको छोटे पॉट में ग्रो करके दिखाऊंगा। दोस्तों, हमारे बीज सूखकर तैयार हो चुके हैं, अब इन्हें ग्रो करने की बारी है। तो दोस्तों, मैं ये सीडलिंग ट्रे ले रहा हूँ जिसके अंदर चार बॉक्स है और इनके अंदर गार्डन सोइल भर रहा हूँ। गार्डन सोइल में दोस्तों मैंने 50% कोकोपीट और 50% गार्डन सोइल ली है। तो चलिए, मैं इनको भर देता हूँ। दोस्तों, इन्हें हमें 50% ही भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है। दोस्तों, हमारी सीडलिंग ट्रे तैयार हो चुकी है और ये देखिए दोस्तों, मैंने इनको 50-50% भरा है, ज़्यादा इसके अंदर सोइल नहीं डाली है। तो दोस्तों, मैं अभी ले रहा हूँ ये बीज, ये देखिए दोस्तों, हमारे सूखे हुए बीज है। और इसके अंदर दोस्तों पहले थोड़ी सी वाटरिंग कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारी कोकोपीट और सोइल है वो एकदम सूखी हुई है। दोस्तों, ज़्यादा पानी नहीं देना है, हल्का सा मॉइस्चर इसके अंदर आ जाए इतना ही पानी का छिड़काव करें। ये देखिए दोस्तों, हमारी ट्रे की जो मिट्टी है वो गीली हो चुकी है। अब हम इसमें दो दो बीज ग्रो करने वाले हैं। और दोस्तों, दोनों अगर सीड ग्रो होते हैं तो दोस्तों एक एक प्लांट हमें उखाड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस डंडी की सहायता से एक एक बीज इसके अंदर रख देता हूँ और थोड़ा सा दबा देता हूँ डिप में। ये दोस्तों दूसरा बीज मैं लगा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा प्रेस करके हमें दबा देना है। इसी हिसाब से दोस्तों सभी मैं दो दो बीज लगा देता हूँ पहले। दोस्तों, ये लास्ट सीडलिंग ट्रे का बॉक्स है जिसमें बीज लगाना है। तो दोस्तों, हमारी सीडलिंग हो चुकी है, अब हमें इस पर थोड़ा थोड़ा पानी और देना है। मैं इस फुहारे की सहायता से, देखिए दोस्तों, मैं एक बार पानी और दे रहा हूँ। दोस्तों, पानी देने के बाद जो सोइल हमने बनाई थी इन बीजों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हमें छिड़क देनी है। ये देखिए दोस्तों, सूखी हुई सोइल है वो इन मैं बीजों को ढक रहा हूँ इसी सोइल से, ताकि ये फास्ट जर्मिनेशन हो जाए। और दोस्तों, इसके बाद हमें एक और प्रक्रिया करनी है जिसकी वजह से हमारे जो सीड है वो सिर्फ मात्र एक या दो दिन में ग्रो हो जाएंगे। तो वो भी मैं तरीका आपसे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, हमारी सीडलिंग हो चुकी है, इस ट्रे को मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जो इसके ऊपर मिट्टी और पानी जमा हुआ है। और इसके बाद दोस्तों हमें एक और प्रक्रिया करनी है। मैं ये प्लास्टिक का बैग ले रहा हूँ और इसके अंदर इस थैली को मैं एयर टाइट पैक करके छोड़ने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। इससे दोस्तों अंदर
हीटिंग होगी और हमारे जो ट्रे है इसका मॉइस्चर बना रहेगा, जिसकी वजह से मिट्टी है वो सूखेगी नहीं और जो हमारे बीज है वो फास्ट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको मैं इसके अंदर पैक करके इसके ऊपर रबर बैंड लगा के छोड़ देता हूँ। दोस्तों हमारे सीड जर्मिनेट होने के लिए तैयार हो चुकी है, अब इसे हमें शेडी एरिया में छोड़ देना है। तो दोस्तों जो मेरे प्लांट पड़े हैं उनके नीचे इसको मैं रख देता हूँ और 2 दिन के बाद जो रिज़ल्ट रहेगा वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दोस्तों आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये ट्रे जो हमने इन प्लांटों के नीचे छोड़ी थी, तो दोस्तों इसमें क्या कुछ मूवमेंट हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए थैली के अंदर से दोस्तों मुझे सीड बाहर आए हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों करते हैं इसको ओपन। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने का बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई नई जानकारियों के जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों हमारी सीडलिंग ट्रे ओपन हो चुकी है और इसको मैं बाहर निकाल के अंदर क्या कुछ मूवमेंट हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारे जो प्लांट है वो ग्रो हो चुके हैं। ये देखिए सभी के सभी प्लांट हमारे जर्मिनेट हो चुके हैं। दोस्तों 2 दिन में देखिए सीड हमारा प्लांट बन चुका है, ये बीज से बाहर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसकी पूरी डिटेल। दोस्तों चारों बॉक्स में हमने 2-2 सीड लगाए थे, देखिए दोनों के दोनों सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों और इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें एक दिख रहा है मुझे, दूसरा अभी ग्रो नहीं हुआ। तो दोस्तों हमारे सभी के सभी सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। दोस्तों इनको मैं वापस पैक करके वापस छोड़ने वाला हूं। अगर दोस्तों आपको लगे आपकी सोइल सूखी हुई है, थोड़ा सा फुहारे से पानी दे दे, तो मेरी जो सोइल है वो अभी मुझे मॉइस्चर युक्त लग रही है, तो मैं इसको वापस पैक करके 2 दिन के लिए वापस छोड़ रहा हूं और 2 दिन के बाद का जो रिज़ल्ट है वो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों जो तरीका पहले अपनाया वही तरीका अभी मैं उसी थैली के अंदर पैक करके रबड़ बैंड लगा के इसको एयर टाइट पैक करके छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद जो भी रिज़ल्ट रहेगा इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस प्लांट को मैं वहीं वापस रख देता हूं। दोस्तों आज चौथा दिन और चौथे दिन का रिज़ल्ट है वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर से मुझे प्लांट काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों सभी के सभी हमारे प्लांट है वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, क्योंकि इस थैली के अंदर दोस्तों हीट रहता है, वाष्पीकरण के कारण इसमें जो प्लांट है वो फास्ट ग्रोथ होते हैं। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। ये देखिए दोस्तों हमारे जो प्लांट है वो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं और नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा नज़दीक लेके जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए दोस्तों हमने इनमें 2-2 बीज लगाए थे और दोनों के दोनों ग्रो हो चुके हैं। तो दोस्तों प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए दोस्तों इसमें से मैं एक एक प्लांट को उखाड़ देता हूं। जो आपको बढ़िया प्लांट लगे उसको रखना है और दूसरा प्लांट को उखाड़ देना है। तो इनमें से 8 में से मैं 4 प्लांट को उखाड़ रहा हूँ ताकि इनकी ग्रोथ है वो अच्छी हो। तो दोस्तों एक एक करके मैं इन 4 में से एक एक प्लांट को उखाड़ देता हूं। ये देखिए दोस्तों मैंने 2 प्लांट उखाड़ दिए हैं और तीसरा। दोस्तों जो आपको प्लांट स्वस्थ लगे उसको रखना है और जिसमें आपको थोड़ा डाउट हो उस प्लांट को आप निकाल दें। ये देखिए दोस्तों मैंने 4 प्लांट उखाड़ दिए हैं और 4 जो स्वस्थ प्लांट है वो इसके अंदर मैंने छोड़े हैं। तो दोस्तों अभी इसको हमें अंदर नहीं रखना है, इसको बाहर शेडी एरिया में छोड़ देना है और लगातार इसकी वाटरिंग करनी है। अभी मैं वाटरिंग कर देता हूं क्योंकि दोस्तों इसमें अभी ज़्यादा सोइल नहीं है, तो हर रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम आप इसमें फुहारे से पानी डालेंगे तो बेहतर है, ये अपनी ग्रोथ अच्छी करेंगे।
तो दोस्तों मिलते हैं कुछ दिन के बाद, का रिजल्ट जो रहने वाला है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आज है 10वां दिन और 10वें दिन का जो रिज़ल्ट है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमारे प्लांट काफ़ी बड़े हो गए, इनके देखिए नई नई लीव्स भी निकल चुकी है और एक प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।